नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। सी प्रोग्रामिंग की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे वेरिएबल्स और उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में उल्लेख किया है, आप मेन फंक्शन में जितना चाहें उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक से अधिक लाइन आउटपुट करने के लिए स्क्रीन पर एक सैंपल कोड दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लाइन के अंत में साथ ही साथ स्टेटमेंट के एंड पर कमेंट लिखा जा सकता है। यह कमेंट बाद में डिबगिंग के दौरान बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में दिखाए जाने वाले वाक्यांशों को स्ट्रिंग कहा जाता है, क्योंकि वे अक्षरों के अनुक्रम यानी स्ट्रिंग से बने होते हैं। दरअसल स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और अन्य स्पेशल करेक्टर का कोई संयोजन हो सकता है। अक्सर आउटपुट पर मल्टीपल आउटपुट स्टेटमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है। इसे आप प्रिंटएफ स्टेटमेंट के बाद स्लैश एन लगाकर कर सकते हैं, जैसे इस दशा में गुड बाय क्रूअल वर्ड एक ही लाइन में दिखाई देता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली लाइन में गुड बाय शब्द और दूसरे उद्धरण चिन्ह के बीच में एक स्पेस है। यह स्पेस आउटपुट में भी दिखाई देता है। अतः इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया कोई भी टेक्स्ट अक्षरस्य आउटपुट में प्रदर्शित होता है। उदाहरण चिन्हों के बाहर दिखाई देने वाली ब्लैंक स्पेस आमतौर पर प्रोग्राम के बिहेवियर को प्रभावित नहीं करती है। उदाहरण के लिए, मैं उपरोक्त प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकता था। यह प्रोग्राम भी पूर्व में लिखे गए प्रोग्राम की तरह कंपाइल और रन होगा। लाइनों के एंड पर ब्रेक प्रोग्राम के व्यवहार को प्रभावित नहीं करते हैं। इस प्रोग्राम को इस तरह भी लिखा जा सकता है। यह प्रोग्राम भी कंपाइल और रन करेगा। हालांकि आपने शायद नोटिस किया होगा कि इस प्रोग्राम को पढ़ने और समझना दूसरे के लिए बहुत कठिन होगा। न्यू लाइंस और ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल आपके प्रोग्राम को देखने की दृष्टि से व्यवस्थित बना देता है, जिससे प्रोग्राम को पढ़ने और सिंटेक्स एरर को ढूंढना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे वैल्यूज की। कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित वैल्यूज पर काम करते हैं। एक लेटर या नंबर ऐसी फंडामेंटल या मौलिक चीजों में से एक है जिसे एक प्रोग्राम मैनिपुलेट करता है। अब तक हमारे द्वारा प्रोग्रामिंग में उपयोग की गई वैल्यूज वे स्ट्रिंग हैं जिन्हें हम आउटपुट में देख पा रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। आप और कंपाइलर इन स्ट्रिंग वैल्यूज की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर संलग्न हैं। वैल्यूज कई प्रकार की होती हैं, जैसे इंटीजर्स और करेक्टर्स। प्रोग्राम के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में किस प्रकार की वैल्यू को मैनिपुलेट किया जाना है, क्योंकि हर वैल्यू पर सभी तरह के मैनिपुलेशन नहीं किए जा सकते। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की वैल्यूज के बीच का अंतर जानना जरूरी है। एक पूर्णांक यानी इंटीजर, जैसे कि 1 या 17 की तरह, एक पूर्ण संख्या या होल नंबर है। आप स्ट्रिंग आउटपुट के समान ही इंटीजर की वैल्यू आउटपुट कर सकते हैं। जैसे इस इंस्ट्रक्शन में प्रिंटएफ स्टेटमेंट को गौर से देखने पर आप पाएंगे जो वैल्यू हम आउटपुट कर रहे हैं वो कोट्स के अंदर नहीं है, लेकिन कोट्स के बाद कॉमा लगा है और उसके बाद अल्पविराम अलग से लगा है। कोट्स के अंदर स्ट्रिंग अभी भी है, लेकिन अब किसी टेक्स्ट के बजाय वहां पर परसेंटेज लिखा हुआ है। परसेंटेज प्लेसहोल्डर है जो प्रिंटएफ कमांड के अंदर लिखा हुआ है और प्रिंटएफ कमांड को एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने को कहता है। अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग प्लेसहोल्डर निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में हम शीघ्र जानेंगे। करेक्टर वैल्यू एक लेटर या डिजिट या विराम चिन्ह है जो सिंगल कोट्स में संलग्न है, जैसे ए या 5। आप करेक्टर वैल्यूज को इसी तरह से आउटपुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट एक सिंगल क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को आउटपुट करता है और प्रिंटएफ के साथ लिखा परसेंटेज सी प्लेसहोल्डर बताता है कि ये आउटपुट करेक्टर है। कई बार विभिन्न प्रकार की वैल्यूज आपको भ्रमित कर सकती है।
वैल्यूज के टाइप को जानना आसान है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 5 को 3 तरीके से लिखा गया है। इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डबल कोट्स के अंदर लिखा 5 स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा 5 करेक्टर वैल्यू है, तथा बगैर कोट्स के लिखा हुआ 5 एक इंटीजर वैल्यू है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे शक्तिशाली फीचर्स में से एक है वेरिएबल के उपयोग के माध्यम से वैल्यूज को मैनिपुलेट करने की क्षमता। अब तक की प्रोग्रामिंग में हमने स्टैटिक वैल्यूज यूज की थी, जो भी वैल्यूज हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ लिख दी वो वैल्यूज आउटपुट में दिखाई दी। अब हम वेरिएबल का उपयोग करेंगे। जिस प्रकार इंटीजर, करेक्टर आदि अलग अलग प्रकार की वैल्यूज होती हैं, उसी प्रकार वेरिएबल के भी कई प्रकार होते हैं। जब भी हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको उसका टाइप भी डिफाइन करना होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेक्टर टाइप को कैर कहा जाता है, CHAR कैर। उदाहरण के लिए स्टेटमेंट को देखें, कैर फ्रेड। इस स्टेटमेंट में फ्रेड नाम एक करेक्टर टाइप डिफाइन किया गया है। इस तरह के स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल का टाइप यह निर्धारित करता है कि वह वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एक कैर वेरिएबल में करेक्टर स्टोर हो सकता है और उसी प्रकार इंट वेरिएबल में इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के विपरीत सी में स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डेडिकेटेड वेरिएबल टाइप डिफाइंड नहीं है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी में हम स्ट्रिंग की वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं। इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका निम्नवत है, इंट बॉब, जहां बॉब एक आर्बिट्री नाम है जिसे आप वेरिएबल की पहचान के लिए चुनते हैं। आमतौर पर आप ऐसा नाम चुनते हैं जो इंगित करता है कि आप वेरिएबल के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कैर फर्स्ट लेटर, कैर लास्ट लेटर, इंट आवर मिनट्स। इसमें वेरिएबल के नाम से ही पता चल जाता है कि आप वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। इस उदाहरण में आप ये भी देख सकते हैं कि एक टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे इंट आवर कॉमा मिनट्स। इसमें एक कॉमा की मदद से एक टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। अब तक हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, अब हम इनमें वैल्यूज को स्टोर करना चाहेंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से हम डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे इस स्लाइड में 3 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन का निर्माण करते हैं। फिर जब आप एक वेरिएबल के लिए असाइनमेंट करते हैं तो आप इसे एक वैल्यू असाइन करते हैं। कागज पर वेरिएबल को दर्शाने का एक आम तरीका एक बॉक्स के माध्यम से है। बॉक्स के बाहर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तथा बॉक्स के अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को आप स्टेट डायग्राम कहते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि वेरिएबल किस स्टेट में है। जब हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि असाइंड वैल्यू वेरिएबल के टाइप के अनुरूप हो। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को उसी प्रकार की वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं जैसा कि उसका टाइप डिक्लेयर किया गया हो। उदाहरण के लिए आप एक इंट टाइप के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा करने पर कंपाइलर वार्निंग देता है। यह नियम कभी कभी भ्रम उत्पन्न करता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई तरीकों से आप एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कभी कभी तो सी खुद ऑटोमेटिकली इस तरह का कन्वर्जन कर देती है। लेकिन अभी के लिए आपको यह याद रखना है कि एक सामान्य नियम है कि वेरिएबल की वैल्यू उसके टाइप के अकॉर्डिंग असाइन करनी। इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हम किसी नंबर को डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वह करेक्टर माना जाएगा, ना कि नंबर। अतः यह असाइनमेंट गलत है। अब हम बात करते हैं आउटपुटिंग वेरिएबल्स की। आप एक ही कमांड का उपयोग कर एक वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आवर और मिनट नाम के दो इंटीजर वेरिएबल तथा
कोलन नाम का एक करेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया गया है। इसके पश्चात यह प्रोग्राम इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता है तथा इसके बाद इन वैल्यूज को आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंटएफ के माध्यम से प्रिंट करता है। जब हम आउटपुटिंग वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यूज को आउटपुट करना। प्रिंटएफ कमांड के इस्तेमाल से आप एक स्टेटमेंट में कई वेरिएबल को आउटपुट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें प्लेसहोल्डर को फॉर्मेट स्ट्रिंग में उस स्थान पर रखना होगा जहां पर आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। आप प्रिंटएफ स्टेटमेंट में जिस ऑर्डर में वेरिएबल के प्लेसहोल्डर को रखेंगे आउटपुट ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। इसलिए सही ऑर्डर और वेरिएबल के टाइप का ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक आउटपुट स्टेटमेंट का उपयोग करके हम पिछली स्लाइड में दर्शाए गए प्रोग्राम को अधिक संक्षिप्त बना सकते हैं। एक ही लाइन में यह प्रोग्राम एक स्ट्रिंग, दो इंटीजर और एक करेक्टर वैल्यू को आउटपुट कर देता है। अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि वेरिएबल को आप अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व या आरक्षित कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें कंपाइलर आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को पार्स करने के लिए उपयोग करता है। अगर इन रिजर्व कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के नाम देते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। अतः किसी भी दशा में कीवर्ड्स का इस्तेमाल वेरिएबल के नाम के लिए ना करें। स्क्रीन में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स दर्शाए गए हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर वे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका उपयोग सिंपल कंप्यूटेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आदि को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अधिकांश ऑपरेटर कॉमन मैथमेटिकल सिंबल्स ही होते हैं, अतः यह वही कार्य करते हैं जिनकी आप उन जोड़ने के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। निम्नलिखित सभी सी प्रोग्रामिंग के लीगल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में वेरिएबल नेम्स और वैल्यू दोनों हो सकते हैं। प्रत्येक मामले में गणना से पहले वेरिएबल का नाम को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। सी प्रोग्रामिंग में जोड़ना, घटाना, गुणा तो वैसे ही होता है जैसे आप उम्मीद करते हैं, लेकिन आप डिवीजन ऑपरेशन से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रोग्राम को देखिए। यह प्रोग्राम निम्नलिखित आउटपुट जनरेट करता है। पहली लाइन का आउटपुट वैसा ही है जैसा हमने सोचा था, लेकिन दूसरी लाइन का आउटपुट हैरान करने वाला है। वेरिएबल मिनट की वैल्यू 59 है और 59 को 60 से विभाजित करने पर 0.98333 प्राप्त होता है, जीरो नहीं, लेकिन आउटपुट जीरो आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सी में इंटीजर डिवीजन हो रहा है। जब दोनों ऑपरेंड्स यानी जिन संख्याओं पर ऑपरेशन किया जा रहा है इंटीजर होते हैं तो रिजल्ट भी एक इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर की परिभाषा के अनुसार इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पर राउंड ऑफ हो जाता है। इस दशा में एक उपाय यह है कि उत्तर की गणना फ्रैक्शन यानी अंश में करने के बजाय प्रतिशत में की जाए, जिसे हम इस तरह से कर सकते हैं। प्रोग्राम के कोड में उपरोक्त परिवर्तन करने के उपरांत निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त होगा। इस उत्तर में भी परिणाम को राउंड ऑफ किया है, लेकिन कम से कम अब उत्तर लगभग सही है। और अधिक सटीक उत्तर प्राप्त करने के लिए हम एक अलग प्रकार के वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं जिसे फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की। जब किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का क्रम प्राथमिकता के नियम पर निर्भर करता है, जिसे हम रूल ऑफ प्रिसिडेंस कहते हैं, जिसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्रम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले होता है। अतः 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 का उत्तर 5 होगा, 4 नहीं। इसी प्रकार 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का उत्तर माइनस 1 होगा, 1 नहीं। यदि सभी ऑपरेटरों की सेम प्रेसिडेंस है तो उनका मूल्यांकन बाएं से दाएं की तरफ किया जाता है। अतः इस एक्सप्रेशन में गुणा पहले होता है जो कि 5900 बाई 60 उत्पन्न करता है, जो बदले में 98 उत्पन्न करेगा।
यदि ऑपरेशन दाएं से बाएं हो गए थे तो परिणाम 59 विच इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, जो 59 है, और फिर ये गलत हो जाएगा। जब भी आप प्राथमिकता के नियम में बदलाव करना चाहते हैं या आप निश्चित नहीं है कि वे क्या है, तो आप ब्रैकेट्स का उपयोग कर सकते हैं। कोष्टक के अंदर के एक्सप्रेशन का मूल्यांकन पहले किया जाता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज का उत्तर 4 है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स फॉर करेक्टर्स। दिलचस्प बात यह है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंटीजर पर परफॉर्म किए जाते हैं वे करेक्टर पर भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए इसका आउटपुट होगा लेटर बी। इससे पहले मैंने कहा था कि आप इंटीजर वेरिएबल को केवल इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं और करेक्टर वेरिएबल को केवल करेक्टर वैल्यूज। ऐसा पूर्णतः सही नहीं है, कुछ मामलों में सी ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर सकता है। इसका आउटपुट होगा 97, जो कि सी प्रोग्रामिंग में इनिशियली लेटर ए को दर्शाता है। हालांकि आमतौर पर सी प्रोग्रामिंग में करेक्टर को करेक्टर तथा इंटीजर को इंटीजर के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में या जरूरत पड़ने पर ही एक से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। कंपोजिशन। अब तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स की अलग अलग बात की। क्या होगा जब हम इन सभी को कंबाइन करना चाहें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण करके उनकी मदद से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करें और हम ये भी जानते हैं कि वैल्यूज को आउटपुट कैसे करना है। अब हम दोनों को एक ही समय में एक ही प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे एक ही समय में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मल्टीप्लाई को आउटपुट से पहले होना चाहिए। लेकिन पॉइंट यह है, किसी भी एक्सप्रेशन जिनमें नंबर्स, करेक्टर्स और वेरिएबल्स शामिल हैं, आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर उपयोग किया जा सकता है। हमने पहले ही एक उदाहरण देखा है। यह फीचर अब इतनी प्रभावशाली प्रतीत नहीं होता होगा, लेकिन हम आगे अन्य उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि जहां कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन में इनका उपयोग करके उनको सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना संभव है। आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।